चलिए आपको दक्षिणी दिल्ली की तरफ ले चलते हैं। दक्षिणी दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल की भी सीट है, याद रखिएगा। बीजेपी ने आज दावा कर दिया था कि वो ये सीट भी वो नहीं बचा पाएंगे, 55% नई दिल्ली सीट पे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण दिल्ली और 55% नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल है। रमेश भिदुड़ी वाली सीट है जहां पर 55% अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के पक्ष में, और यहां पर बीजेपी को दक्षिणी दिल्ली में थोड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, 2% का, 37 पर वो पहुंचे हैं अपने एवरेज से, और यहां 3% वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हुए, 55, 37 और 3। लेकिन अब जब ये सीटों में तब्दील होता है तो कहां तक ले जाता है बीजेपी को? क्या वही 0-1 और आम आदमी पार्टी 9-10 और कांग्रेस 0? जरा उसकी भी तस्वीर देख लेते हैं। देखिए मेट्रो आ गई है और साथ ही साथ आंकड़ा आ गया है, 9-10 आम आदमी पार्टी, 0-1 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खाता यहां भी खुलने का कोई संकेत नहीं है। तो कुल मिलाकर 70 में 50 सीटों का अनुमान हम आपको दे चुके हैं, बल्कि अब 60 सीटों का अनुमान दे चुके हैं, जिसमें 50-58 आम आदमी पार्टी को आने का संकेत दिख रहा है। और ये देखिए ये दक्षिणी दिल्ली की तस्वीर, जिसमें 0-1 ही बीजेपी के खाते में आती है और कांग्रेस का खाता यहां भी खुलने का कोई संकेत अभी तक तो कम से कम नहीं दिख रहा। आखिरी 10 सीटें आने हैं। ठीक है, एक कमेंट सबसे यहां पर लेंगे शाजिया जी, लेकिन एक सवाल है, देखिए एग्जिट पोल में भी हर कोई रेंज बताता है, मनोज तिवारी जी कोई रेंज भी नहीं बता रहे हैं, वह सीधे 48 का दावा ठोक रहे हैं, ये भी गजब हुनर है। देखिए मेरी देखिए आपके हिसाब से आपका एग्जिट पोल सही होगा या आप यकीन करेंगी, और आपका एग्जिट पोल हमेशा सही रहा भी है, इसलिए मैं पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, पूरे एहतराम के साथ ये कहूँगी कि मेरी ये उम्मीद भी है और ये यकीन भी कि इससे कहीं बेहतर भारतीय जनता पार्टी करेगी, और ये उम्मीद और दुआ मेरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे या प्रवक्ता के तौर से नहीं है, एक दिल्लीवासी के तौर से भी है, जो चाहेगा आखिरकार कि अराजकता का अंत हो, बहानेबाजी का अंत हो, सब लोग मिले हुए हैं जी, सब मुझे मरवाना चाहते हैं जी, और मोदी जी तो साइकोपैथ हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ सेना भी दे और पीएम दे, मुझे लगता है सब लोग इससे आज़ादी चाहते हैं। तो एक दिल्लीवासी होने के नाते भी मैं कहूँगी कि आपके पोल गलत साबित हो और भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत बहुत बेहतर करे। 48 का आंकड़ा तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मेरी यही दुआ है और मेरा ये यकीन है कि इससे बहुत बेहतर भाजपा करेगी, और ये जरूरी होगा सबके लिए, खासतौर से केजरीवाल जी के अहंकार के लिए और झूठी राजनीति के लिए भी। आप जो हिचकिचा रही हैं वो तो खैर समझ में आता है आंकड़े में, मैं तो सवाल ये पूछ रही थी कि सीधे जो 48 का दावा ठोक रहे हैं मनोज तिवारी, क्योंकि मैं आंकड़ों में, लेकिन एक बार अक्षय से मुझे आंकड़ों का अंदाजा इतना नहीं है कि मैं भविष्यवाणी करूं। ठीक है अक्षय, मेरा आपसे सवाल है, क्या लोकसभा के नतीजों के बाद एक जबरदस्त बदलाव आया? अब मैं इसके पीछे कौन सी एजेंसी थी उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, कौन पीके कहाँ से आए क्या किए उन्होंने उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये टैंजिबल टैक्टिकल चेंज नहीं था अरविंद केजरीवाल में, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर जो वो पहले कई बार हमला करते थे सीधा, उससे उन्होंने जबरदस्त यू टर्न लिया था और ये कहना भी बंद कर दिया कि ये परेशान करते रहे हम काम करते रहे? अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके भी ओपिनियन पोल्स उस समय जो होते थे, मूड ऑफ द नेशन भी करता है आज तक, उसमें भी ये बहुत साफ था कि 2019 में भी जब आम आदमी पार्टी 7 सीटें हारी थी, उस समय अगर दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होता तो आम आदमी पार्टी को इसी तरह के नतीजे मिलते। तो मुझे लगता है दिल्ली के लोग पूरे 5 साल उनके मन में बहुत क्लैरिटी थी इस बात की कि वो दिल्ली में एक तरह की सरकार देखना चाहते हैं और केंद्र में एक दूसरी तरह की सरकार देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रैटेजी बदली नहीं बदली ये तो आप सबके सामने है। अगर वो एक राष्ट्रीय लेवल पे चुनाव लड़ रहे थे तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहे थे, राष्ट्रीय नेताओं के साथ टक्कर में थे। आज वो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है दिल्ली के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, जो उन्होंने दिल्ली में काम किया है, जो दिल्ली के लिए उनका विजन है उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी वगैरह सारा एक तरफ पॉलिटिकल आप इसमें से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि जो पार्टी 5 साल काम करती है, जो हमने पिछले 6 महीने में काम करना नहीं शुरू किया था, जो 20,000 क्लासरूम बनाए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वो शुरू से हमने बनाना शुरू किया था।